ऊपर के निर्देश से हुआ, ऐसा नहीं है कि जकनपुर थाना प्रभारी उनको पकड़े हैं, ये ऊपर के निर्देश से आया है, यानी कि सरकार का निर्देश हुआ है। एसएसपी साहब महोदय, एसएसपी साहब महोदय थाना प्रभारी को बोले हैं, तो निश्चित रूप से आज नवनीत भाई की गिरफ्तारी, हमारे साथियों की गिरफ्तारी, ये सिद्ध करता है कि आज हम लोग अपने राजकर्मी के दर्जा लेने में ये प्रथम पड़ाव में हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। अब कागज पर जो हमारे साथी अभी बताए कि 24 और 25, निश्चित रूप से तमाम मंत्रियों को और तमाम विधायकों को एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता है कि 24-25 में आप कहीं शुद्ध से नहीं चल पाइएगा, जहां जाइएगा वहां नियोजित शिक्षकों को पाइएगा, और ये पहला पड़ाव का जीत है, और आने वाले दिनों में राजकर्मी का दर्जा हम लेके रहेंगे। ये पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ अपने बैनर तले कहते हैं, अपने नेताओं के साथ बोलता है, और ये हर हालत में लेकर रहेंगे, और नियोजित शिक्षकों की हर हालत में जीत होगी। ये 2003 से लेकर के 2023 20 वर्षों के संघर्षों का ये देन है। हम लोग जानते हैं कैसे संघर्ष में हम लोगों ने 2003 से लेकर और 2023 तक सफलता पाई है, और निश्चित रूप से एक सफलता पानी है, तो आज ये नवनीत भाई की गिरफ्तारी एक संकेत है कि हमारी जीत तय है और होकर रहेगी। जय हिंद, जय शिक्षक। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।